यार मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया हूं मैं कि इतने दिन बाद वापस आ रहा हूं। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमेशा की तरह फिर से एक महीना लेट हो गया हूं मैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन में ये था कि कम से कम हफ्ते में दो तीन व्लॉग्स तो डालने हैं भाई। नहीं हो सकेगा। तो खैर आई वॉज इनरोल्ड इन TTYD, एक स्कूल ऑफ लीडरशिप का प्रोग्राम था। इट वॉज अ 7 डेज प्रोग्राम। तो पहला दिन तो मैं आपको दिखा चुका था भाई। दूसरा दिन जो था वो था कॉन्टेंट डेवलपमेंट में। इन्होंने कहा भाई कि इन्होंने हमें असाइनमेंट्स दे दिए थे और कहा था कि किस तरह से प्रोग्राम डिज़ाइन होता है, क्या क्या हमें करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस हुई थी कॉन्टेंट डेवलपमेंट में कि हमें कॉन्टेंट अपना बनाना कैसे है कोई भी वर्कशॉप के लिए। सो उसके अंदर असाइनमेंट जो थे, पहला असाइनमेंट जो था वो था मैड रिपोर्ट, मेक आर डिफरेंस रिपोर्ट। तो वो मैंने अपने दोस्त के साथ किया था, तलहा के साथ। तो तलहा तुझे याद होगा मेरी जान, हम कॉन्टिनेंटल बेकरी पे बैठे थे तो वहाँ पे हमने ये काम किया था। दूसरी रिपोर्ट मैंने एक आंटी के साथ बनाई थी, वो बताऊँगा नहीं कहूँगी। और एक ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करना था, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने किया था, उसकी रिपोर्ट बना के देनी थी। और जो भी कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज़ की ट्रेनिंग की नीड है वो दे दिया। फिर तीसरा दिन था हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स सही था, प्रेजेंटेशन स्किल्स वही बड़ा मजे का था। पांचवा जो दिन था वो था ब्रांडिंग का। ब्रांडिंग में सबसे ज़्यादा मज़ा आया भाई कि उन्होंने हमें पैसे नहीं तो हमें लंच नहीं दिया और 1.5 घंटे का ब्रेक दे दिया। कहा भाई जाओ खुद ही पैसे कमाओ, जाके लंच खरीदो। हम बाहर निकले बोर्ड बेसन में, बहुत ज़्यादा हुकूम लगा था। हमने बोला ये क्या सीन हो रहा है भाई यहाँ पे, क्या है? तो उन्होंने बताया कि भाई फहद मुस्तफ़ा की शूटिंग चल रही है, फहद मुस्तफ़ा की मूवी की शूटिंग चल रही है बाकायदा, कायद आज़म जिंदाबाद की। फहद मुस्तफ़ा वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वहाँ पे सिर्फ एक सीन शॉट हो रहा था। यार टास्क कुछ ऐसा कि हमें बाहर भेज दिया गया है और पैसे कमाने हैं और पैसों को हमें लंच खुद ही करना है। तो लंच ऑफर नहीं किया गया है, सुबह हलवा पूरी खिला दी थी। हम इधर बोर्ड बेसन में आए थे, हमने बोला भाई हमें कोई काम दे दो, हमारे साथ यही मसला है, हमें पैसे मिले नहीं हैं, वो लंच मिला नहीं है, हमें पैसे कमाने हैं, लंच करना है। तो उन्होंने कहा भाई आप लंच कर लो हमारे साथ। हमने बोला नहीं नहीं भाई, पैसा कमाना है, स्पॉट बॉय बना लो हमें, कुछ भी कर लो, हम मेकअप आर्टिस्ट वगैरह सब कुछ बन जाएंगे। हमारे साथ दो लड़कियां और थी, हम तीन लड़के थे और दो लड़कियां थी, टोटल पांच हमारे ग्रुप के अंदर थे। यार हम बोर्ड बेसन में थे, कौन कौन आ रहा है आज? बिलाल भाई, अली भाई हैं और ये बच्चियाँ हैं, ठीक है? तो क्या क्या हुआ है जल्दी जल्दी बता दो बिलाल भाई, स्टार्ट करते हैं। और उन्होंने बोला चलो ठीक है भाई, हम पैसे फेंकेंगे ऊपर से नकली नोट, तुम लोगों को वो उठाना है। हमने बोला डन हो गया, सही है, पर हेड 200 रुपये हमें मिलने थे। हमने आधे घंटे की एक्टिविटी की, 1000 रुपये जेब में, और साथ ही साथ हमारी फ्यूचर भाई फ्यूचर जॉब भी हो गई। उन्होंने बोला कि आप आइंदा किसी सीन भी आना चाहते हैं आप, तो ये ड्रामे भी आ रहे हैं, हमारी ये फिल्म्स आ रही हैं, आप हमारे साथ कोलैबोरेट कर लें। हमने बोला भाई डन हो गया। तो 1000 रुपये हमें मिले, 600 रुपये का खाना खाया हमने बोर्ड बिजनेस से और 400 रुपये चैरिटी में दे दिया। अमेजिंग। छठा हमारा दिन था ब्रांडिंग में प्रैक्टिस करनी थी। फिर जो सातवां दिन था वो था हमारा इवैल्यूएशन डे, एग्जामिनेशन डे, द डे ऑफ जजमेंट यू नो। तो हमने सेशन अपना प्लान करना था, वो सेशन हमने प्लान करना था, वो सेशन डिलीवर किया एंड इट वाज सो अमेजिंग गाइस, मजा आ गया। ये हो गई मेरी वर्कशॉप्स। तो हैप्पी फेब्रुअरी, फेब्रुअरी आ गया है तो फेब्रुअरी को विश करने में भी 1 से 2 दिन लेट हो गया हूँ मैं पहले की तरह, तो कोई बात नहीं। अब आते हैं असल मुद्दे पे भाई, आज का जो व्लॉग है वो है सिट डाउन व्लॉग। मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं सुस्त इंसान हूँ, संडे का दिन है, आराम से घर पर मैं बिताऊँगा, ठीक है? तो एक गुड न्यूज़ भी है वो मैं एंड में दूंगा, ठीक है? बल्कि दो गुड न्यूज़ हैं, दो बड़ी मज़े की बातें वो मैं एंड में बताऊँगा। तो अच्छा अब आ जाते हैं भाई, खलीलुर रहमान भाई आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और महवेश बाजी यार आपको क्या जरूरत थी छोड़ के जाने की? यार पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बना दिया आपने, पूरी की पूरी आवाम एक ड्रामे के पीछे पड़ गई, हमारा मीडिया उसके पीछे पड़ गया। और दानिश यार खुदा का खौफ कर यार, तुम 2 हफ्तों में करोड़ों रुपया। खैर टॉपिक थोड़ा सा पुराना हो गया है लेकिन मैं इस टॉपिक पे बात इसलिए करना चाहूंगा भाई, खलीलुर रहमान भाई आप क्या कर रहे हैं? आपको और कुछ नहीं मिला लिखने को? आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना आप कह रहे हैं भाई हम माशली की अक्कासी दिखा रहे हैं। एक फर्ज से मतलब फर्ज मिला के घर बनता है, घर मिला के माशरा बनता है, ये हर घर की कहानी नहीं है भाई। हर बंदे को लड़की नहीं छोड़ती है और हर बंदा 2 हफ्तों में करोड़ों रुपया नहीं कमाता भाई, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ कि माशरे में क्या दिखाना चाहिए, माशरे की अक्कासी क्या है।
अपनी लाइव एग्जाम्पल, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले की एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी बहन ने मुझे पुदीना लाने के लिए भेजा, मैं हरा धनिया लेके आ गया। ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम यार, अब इसके लिए वर्कशॉप्स करवाएं कि भाई पुदीना और हरा धनिया में क्या फ़र्क है। लड़कों के लिए ये वर्कशॉप करवाएं और ख़वातीन के लिए खास तौर पर ये वर्कशॉप करवाएं, उनके लिए अवेयरनेस सेशन चलवाएं यार कम से कम, कि एक दफ़ा बच्चे को जब भेज दिया है दोबारा जब वो चीज़ें लेके आ गया है दोबारा, अरे हम तो ये भूल ही गए थे, ये भी लेके आ जाओ। तो यार इन चीज़ों पे काम किया जा रहा है, ये क्या अपने माशरे में लगाया हुआ है। और सही सीन बताऊँ भैया आप लोगों को जो देखने वाले हैं, बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि ये जब इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं ना तो पीछे बहुत सारी स्ट्रेटजीज चल रही होती हैं। ठीक है, सबसे बड़ा मसला है यार आपको मैं बता देता हूँ कि दुनिया में इतने जो भी जो करोना वायरल फैला हुआ है, ठीक है, चाइना में जो आया था, चाइना में आया हुआ, और फिर लोग बड़ा डर रहे हैं कि यार इस तरह की प्रॉब्लम है, 20 लाख लोग चाइना के अंदर मर चुके हैं और पाकिस्तान में भी अभी वायरस फैल रहा है, तो बाकायदा इससे बचा जाए, और कोई भी फॉरेन डॉक्टर चाइना के अंदर आके इलाज करने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम है यार, हम कहाँ लग गए हैं ड्रामों में। मीडिया भी हमारा दानिश के पीछे पड़ा हुआ है कि दानिश का इंतकाल हो गया तो अब क्या करना चाहिए, उसकी भी वीडियोज बनाई जा रही हैं। सही है यार, सब चलता है, लेकिन अपने मेजर मसलों को भी तो देखो, हम कहाँ पड़े हुए हैं यार। अच्छा, बहरहाल अगर देखना ही है ना और सुनना ही है तो सैटरडे की नाइट 9 से 10 www.naisubha.org/radio पे आपके भाई का शो आता है, द कपशप शो। हम आप वो सुन लो, वो उससे कई ज़्यादा बेटर है यार। हर हफ्ते मैं एक नए कंटेंट के साथ आता हूँ जो वायरल फैला हुआ है। एक फ्रेज़ आपने सुना होगा, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि कोई भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना तब इन्वेंशन हो जाती है। लेकिन अब सीन भाई पता ही क्या है कि इन्वेंशन पहले हो जाती है, फिर उस चीज़ की ज़रूरत क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है, पैदा की जाती है। तो ये सारे जो फार्मा जो कंपनीज है ना, वो सारी ये दवाइयाँ बना देते हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम उन्होंने उजागर करते हैं, तो पैदा कर देते हैं। अभी देखना चाइना में से एक डॉक्टर उठ के बोलेगा मैंने इस बीमारी का इलाज निकाल लिया है, तो इसका भी ये चक्कर है, इसको हम इस तरह सॉर्ट आउट करते हैं। बिल्ला वजह की एक मार्केटिंग, ठीक है, बहुत बड़ी इसकी इंडस्ट्री है, पागल बनाया जा रहा है यार पूरी दुनिया को आराम से। ठीक है, तो भाई आपका भाई ट्रेनर तो अभी फिलहाल नहीं बना, लेकिन सेशंस मिलना शुरू हो गए हैं, कुछ सेशंस हमने कर भी लिए थे, तो और आगे भी सेशंस है, लाइनअप हैं, तो वो भी वीडियोस आती रहेंगी, दिखाता रहूँगा भाई कि क्या क्या सीन है। और इसके साथ ही साथ यार अभी बहुत रेजोल्यूशन के साथ चलना था, मैंने सोचा था मैं जिम ज्वाइन करूँगा, भाई जिम ज्वाइन नहीं किया मैंने, और रेडियो भी मैं सोच रहा था कंसिस्टेंटली करूँगा, वो भी थोड़ा सा अभी टुक हो गया है, व्लॉगिंग भी ऐसी हो गई है, बहुत सारे मसले हैं। देखिए मसले ये होते हैं खलील रहमान भाई, ये होते हैं मसले यार, आप कहाँ दानिश हो यार, मुझे मिलवा भाई ऐसे बंदे से अगर कोई रियल स्टोरी है, कौन ऐसा बंदा है यार 2 हफ्तों में 2 करोड़ रुपए कमा रहा है, मुझे भी तो मिलवाओ, मेंटोर बनाऊंगा भाई, उसके पैर छूऊंगा, कैसे है कि कैसे किया तुमने ऐसा। खैर अब हम आ जाते हैं और मजीद बातों में, गुड न्यूज आपको मैं गुड न्यूज दे देता हूँ भाई। ये जो कमरा जो बैठा हुआ है, सॉरी कमरे में जिसमें मैं बैठा हूँ, ये फिलहाल तो मैंने मोबाइल खिड़की पर रखा हुआ है, सो लेट मी शो यू कि कमरा है कैसा। ठीक है, अच्छा तो यार ये पहले तो मोबाइल देख लो, मोबाइल जो है पहली बार मैं किसी दूसरे मोबाइल से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, इट इज़ सैमसंग A20, अपनी बहन का मोबाइल है, मेरा नहीं है, मैं बहुत गरीब बंदा हूँ भाई, मेरे पास ओप्पो है, उसके अंदर अब वीडियोज भी प्रॉपर बन नहीं रही है। तो ये जो शीशा है, इतना बड़ा आप शीशा देख रहे हैं, ये शीशा हमने लगवाया, साथ में ये AC है, ये मैट्स हैं, सामने वेटिंग मशीन है, स्पीकर। तो इस कमरे में बैठ के ना मुझे अजीब सा फील आ रहा है, फील ये है कि मैं बकबक तो काफ़ी देर से कर रहा हूँ, लेकिन एक डांस जैसा और एक बड़ा ना एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये कमरा जो है मेरी बहन ने यहाँ पे एक योगा सेंटर एंड एरोबिक सेंटर खोला है, इसका नाम है योगा फैम, कल सैटरडे 1st फेब को इसकी ओपनिंग थी, और स्टूडेंट्स भी कुछ आए और हमने पंपलेट्स वगैरह बांटे, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है, मेरी बहन ने खोला है एंड इट्स अमेजिंग यार, बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक फील जो अभी मैं हो सकता है आपको दिखा भी दूँ कि मैं थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करके, बड़ा मज़े का है। ठीक है, हमने ये शीशा लगाया, इधर मैट्स हैं, और ये मेरी बहन ने खोला है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि योगा एरोबिक्स एंड जुम्बा मेरी बहन करवाती हैं। तो जो ख़वातीन गुलिस्तान जौहर में रहती हैं उनके लिए बहुत कन्वीनियंट है, इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू ज्वाइन, तो आप मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है नीचे, तो आप मुझसे मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा, अपनी बहन से मैं बात करवा दूँगा। ठीक है, एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें बड़ी खास बात यह है
कि फीस बहुत कम है और फ्री डेमो क्लास है, एडमिशन भी फ्री है, तो और टाइमिंग्स भी बहुत अच्छी हैं, सुबह भी हैं शाम की भी हैं, और अगर किसी को टाइमिंग से कुछ इशू है तो वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आसानी से, उसके लिए भी कन्वीनियंट हो सकता है। तो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे। भैया खुशखबरी तो ये थी कि योगा फैम खुल गया और अब चलना स्टार्ट हो गया। तो दूसरी खुशखबरी ये कि जिस बहन ने ये योगा फैम खोला है वो नीचे अभी प्रॉन बिरयानी बना रही है, तो मैं प्रॉन बिरयानी खाने जा रहा हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ, भूख भी बहुत लग रही है, और मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।